हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू राहुल भैया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ललित दबंगन में आप लोग का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो आज मैं सुबह से बहुत खुश हूं क्योंकि आज हमारे बड़े भैया राहुल का जन्मदिन है, तो आज मैं वहीं जाने वाला हूं। लेकिन बात यह है कि वहां अभी कोरोना पॉजिटिव पाया गया करके उस जगह को सील कर दिया गया जिस एरिया में मैं जाने वाला हूं। तो मैं भैया को सुबह कॉल किया था बर्थडे विश के लिए, तो उन्होंने बताया कि यहां आने के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन अगर परमिशन मिल जाता है तो मैं घर अंदर जाऊंगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं बाहर से ही मिल के आ जाऊंगा। क्योंकि आज बहुत सुबह से मन हो रहा है कि उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों ने डिसाइड किए थे कि उनके बर्थडे में जाना ही है, लेकिन क्या है उस एरिया में सील हो गया करके थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, तो मैं अकेले ही जाऊंगा। अगर मुझे परमिशन मिल जाता है तो बिल्कुल वहां मिलकर आऊंगा उनसे, और इसी बहाने मम्मी और पापा से भी मिलना हो जाएगा। मम्मी ने कुछ सामान मंगवाया था मुझे डी मार्ट से, तो मैं कल ला लिया हूँ डी मार्ट से, क्योंकि उन लोग का घर से निकलना नहीं हो रहा है, तो उस सामान को भी मैं छोड़कर आ जाऊंगा। और भैया को सरप्राइज भी मिल जाएगा इसी बहाने। मैंने उसको बोला सिर्फ मैं आऊंगा करके, लेकिन उसके लिए कुछ मुझे गिफ्ट ले जाना है, तो मेरे वीडियो को अगर देखेंगे तो उनको पता चल ही जाएगा कि उनको सरप्राइज मिला है करके, लेकिन मैं उसको अभी सरप्राइज के बारे में नहीं बताया हूँ। और एक सब्सक्राइबर मेरे भाई है टेक्निकल ओम, जिन्होंने कहा था कि राहुल के साथ आप एक वीडियो बनाइए करके, तो अगर आज मुझे मौका मिलेगा उनके साथ तो मैं बिल्कुल आपके लिए आज वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो हमारे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आप लोग को मिलते हैं वहीं। वापसी में आते आते यहीं से मुझे सब्जी खरीदना भी है, घर का सब्जी पूरा खत्म ही हो गया है, कि मैं जा रहा हूँ भैया के पास। और ये है वैशाली नगर, भैया के लिए केक भी लेना है, और सामने अगर कोई इटालियन का दुकान देखेगा तो मैं वहीं से केक ले लूंगा। ये है सुंदर नगर, यहीं से मुझे सीधा सीधा चलना है, और मौसम को देखिए बहुत ही अच्छा है मौसम, धूप ही नहीं है, बादल घिरा हुआ है चारों तरफ देखिए। तो फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया हूँ भैया के पास, और ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहीं पर बैरियर लगा हुआ था, जिस बंदे को मतलब कोरोना पॉजिटिव बताया गया था उसका जो रिजल्ट आया है आज ही आया, उसको निगेटिव पाया गया है, तो सब खोल दिया गया बैरियर। देखिए मैं अंदर जाऊंगा और भैया से मिलूंगा और आप लोग को दिखलाऊंगा मैं। तो देखिए मैं गाड़ी यहाँ पर रख दिया हूँ, ये रहा भैया का घर, सामने का एरिया देखिए आप लोग, और भैया यहीं पे वीडियो बनाते हैं। चलिए आज भैया से मिलते हैं, और काफ़ी दिन हो गया है मेरे को, कम से कम 15 या 20 दिन हो गया होगा। तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ घर के अंदर, अब मैं आप लोग को मिलवाता हूँ राहुल भैया से, जो आप लोग टेक्निकल ओम भैया आपने कमेंट किया था। चलिए मैं आप लोग को सामने से मिलवाता हूँ राहुल जी से। आइए भैया आइए, स्वागत है हमारे घर में सभी का, पधारो भाई पधारो बिल्कुल। तो ये है राहुल, आप लोग जानते ही होंगे, इसके चैनल है ब्लॉग्स राहुल करके, आप लोग काफी लोग पसंद करते हो इसके वीडियो को। इसका जो सब्सक्राइबर हुआ है करीब करीब 72,600 सब्सक्राइबर हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका सब्सक्राइबर आप लोग की वजह से कम 1,00,000 से ऊपर हो जाए। तो भैया कुछ बताएंगे, 1,00,000 होगी तब क्या करोगे आप? 1,00,000 होगा तो मैं सोचा हूं कि मीटअप रखूंगा भिलाई में, और बहुत अच्छा मीटअप रहेगा, ऐसा मीटअप अपने भिलाई छत्तीसगढ़ में कोई नहीं रखा है,
ऐसा प्लानिंग करके रखा हुआ वो कितना सक्सेस होता है वो तो वक्त ही बदलाएगा। और प्लीज हमारे दवान जी को भी सपोर्ट करिए, अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं तो इनका भी वीडियो चैनल सब्सक्राइब करिए, ये भी धीरे धीरे सीख रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं, मैं जहां जहां नहीं गया वहां भी जा जाके वीडियो बना बना के आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं। तो सपोर्ट, जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो सपोर्ट जरूरी है। तो ऐसे ही आप लोग इसके वीडियो को देखते रहे और अच्छा बनाते हैं वीडियो। और आज राहुल जी का बर्थडे भी है तो मैं आज बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। और देखा जाए तो मेरे रिश्ते में साले साहब जी है, लेकिन मैं बड़ा है करके मैं इसको भैया जी बोलता हूँ। तो चलिए आप लोग को मैं, आप अरेंजमेंट जो किया है पार्टी का, बर्थडे पार्टी का, उसको आप लोग को दिखाते हैं। तो ये केक लाए हुए हैं हम आज भैया के लिए। तो ये है भाई हमारी मम्मी, हम इसको सास नहीं बोलते, हमारी मम्मी जी है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। और आज देखिए भैया के लिए तैयारी करके रख रहे हैं और भैया जी का अभी बर्थडे मनाने वाले ही हैं अभी, तो भैया भी तैयारी कर रहे हैं। और ये हमारे पापा, तो पूरा तैयारी हो गया है बर्थडे का। और अभी वही क्या है, लॉकडाउन चल रहा है करके मेरा रात में आना नहीं हो रहा है ना, इसलिए मैं हम लोग दोपहर में ही मना रहे हैं। तो वही दोपहर का करीब वही 2:30 बजा हुआ है। तो मम्मी पापा भी भैया के पूजा कर रहे हैं। अरे चलिए हम हमारे से लगभग ये भैया करीब करीब 3 महीने बड़े, तो मैं इसका पैर तो छूता नहीं हूँ लेकिन कम से कम हाथ हिला के यूज करता हूँ। जन्मदिन की मुबारक हो भैया। थैंक यू। Happy birthday to you, happy birthday to you, Rahul bhaiya. Thank you. आज पहली टाइम है जो मैं भैया के साथ बर्थडे विश कर रहा हूँ। वैसे बर्थडे विश भी किया हूँ लेकिन साथ में ऐसा कभी मनाना नहीं हुआ है। आते थे बस मिठाई वगैरह खाते थे बस चले जाते थे, लेकिन आज केक काट कर आज विश कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज भैया के यहाँ तो खाने का मौका मिल रहा है भाई, केक नसीब वालों में। पूरा अंदर पूरा नहीं। तो अभी मम्मी और पापा केक खाने का मजा ले रहे हैं। देखिए, देखो गाल में लगा रही है मम्मी। देखो आज देखिए मम्मी पापा का प्यार, देखिए बहुत दिन बाद देखने को ऐसा मुझे मौका मिल रहा है देखने का। तो कम से कम राहुल भैया के बर्थडे में ऐसा प्यार देखने को मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए मम्मी आप देखो, देखो भैया के ऊपर कैसे कर रही है, लगा रही है पूरा केक को। तो आज मेरे बड़े भैया ने, राहुल के जो बड़े भाई, नौकरी के लिए बाहर गए हुए हैं, टाटा में रहते हैं, तो उनको हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। मम्मी तो खासकर बहुत मिस कर रही है, कभी कभी रो भी देती है, क्या करें, लेकिन उसको मनाना पड़ता है। और आज मेरी वाइफ घर में है क्योंकि लॉकडाउन है और यहाँ पर सील लगा हुआ था करके मैं उसको नहीं लाया, लेकिन आज ही सुबह मुझे न्यूज़ मिला कि यहाँ खुल गया, भैया ही बताए हैं, तो आज उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तो देखिए मेरे चेहरे पे क्या कर दिए मम्मी, पूरा केक को ही लगा दिया है। और ये रहा राहुल भैया, कैसा लग रहा है आप लोग को? चलिए आज का वीडियो यही लास्ट करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।